सुबह के बज रहे हैं 7:15। भाई तुम्हारा उठ चुका है और आज का दिन है वो कौन सा दिन है आज? एक तो होश नहीं है दिन का हमें। 25 सितंबर शायद आज। तो कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और आज हम शुरू करेंगे अपना डे इन लाइफ व्लॉग बनाने का। तो सुबह उठ के पानी पी के फ्रेश होकर हमने खाया ड्राई फ्रूट। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। Stop it. Get some help. मैं सुबह उठा तो मेरे को ये देखने को मिल जाता है अपना कपड़े वपड़े सब डस्टबिन की तरफ जा रखे हैं। कल कुछ ज़्यादा ही तगड़े। मेरा 4 बजे से रात के 9 बजे तक एक सिम है। अगर हम शाम को सिम जा रहे हैं तो सुबह हम जिम जाएंगे। सिंपल सेंस बनती है ना, हम अपना जिम क्यों मिस करेंगे। तो अभी मैं जिम जाऊंगा, जिम मार के आऊंगा, फिर मैं खाना वाना बनाऊंगा, सब तुम्हें दिखाएंगे। और शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। बहुत प्यारी हवा चल रही है। 3-4 दिन से यहाँ पे हवा काफ़ी चल रही है। जैसे नवंबर क्लोज आ रहा है, जैसे सितंबर 25 हो गई, तो हवा यहाँ पे जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ हैं, विंड्स हैं, तो बढ़ती रहती हैं। जैसे अभी बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सुबह आपको काम वेदर मिल जाएगा, जैसे आप अक्टूबर या नवंबर में जा रहे हो, बट दोपहर में विंड्स पिकअप हो जाती हैं, या फिर कभी कभी सुबह एकदम IMC होता है, बीच में खुलता है थोड़ा सा, फिर विंड्स पिकअप हो जाती हैं। रात तक विंड्स पिकअप होती हो जाती हैं मतलब। तो वो अभी वैसा ही सिनेरियो बन रहा है जैसे पिछले साल का था। तो अगर तुम यहाँ आने की सोच रहे हो तो तुम नवंबर में मत ही आओ, क्योंकि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगले साल ही आओ, उससे बढ़िया है। ना वॉलेट उठाओ, ये उठाओ, ये तो गंदा है, ये मत उठाओ। देखो भाई हेडसेट रखे हुए हमारे, लॉग बुक भी। गणेश जी जय हो, जय श्री राम। मैं दिख पा रहा हूँ नहीं दिख पा रहा हूँ, बट दिस इज माई होल आउटफिट। लेट्स गो टू द जिम। और उससे पहले हम तुम्हें दिखा दें कि दिस इज अ प्री वर्कआउट शेक हमारा। हमने इसमें प्री वर्कआउट मिला लिया सस्ता सा, वो भी क्योंकि हम थोड़े गरीब हो चुके थे, वरना महंगा वाला ही प्री वर्कआउट को देते हैं। चलो चलते हैं। क्या है कि ये जो जिम है, ये लेफ्ट में तुम्हारे जिम है, ये वाली दिखाता हूँ, रुको। ये तो ये इमरजेंसी जिम है हमारे लिए, मेरे लिए मतलब। क्या है कि फिर इधर मैं जब भी आता हूँ, जब आई डोंट हैव टाइम और स्कूल जाना है, थोड़ा शेड्यूल टाइट है, ओनली वैन वरना नहीं यार। देखो खुली भी पड़ी है, अब मैं चाहता तो चेस्ट यहाँ पे मार लेता, पर ना अपने जिम की बात ही अलग है यार। सुन सकते हो कि तुम अगर जिम जाते हो तो यार। एक बात तो है, सुबह की वाइब ही अलग है। क्यों सुबह उठ जाते हो, कुछ कर लेते हो, अच्छा लगता है, दिमाग को शरीर को एनर्जेटिक रहते हो। सुबह वहीं लेट उठे, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत ख़राब हो गया था, मैं सुबह लेट उठ रहा था, मैं थोड़ा लेजी हो गया था। तो यार आज सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ गया, मतलब वो जल्दी नहीं थे, 7:15 बजे थे, पर फिर भी कंपैरेटिवली जल्दी था, तो उठ के अच्छा लग रहा है, यू फील गुड, और वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो जिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार। जिम जिम के बिना ना जीवन अधूरा है। अब मैं ज़्यादा एग्जैजरेट करता हूँ, पर नहीं, इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो तुम्हें पता है कि मैं किस बारे में बोल रहा हूँ। गो आउट एंड वर्कआउट। लाइफ में डल फील कर रहे हो, गो आउट एंड वर्कआउट यार। ये मैंने 2 साल पहले जान लिया था, और बहुत बढ़िया जान लिया था, क्योंकि मैं बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता था। अगर तुम्हें जानना है कि 2 साल पहले मैं कैसा था, तो गो टू माई इंस्टाग्राम, वहाँ पे तुम्हें एक रील दिख जाएगी, भाई कैसा था तुम्हारा, वो देख लेना तुम। तो भाइयों दिस कॉट माय आई, हार्ली डेविडसन।
ब्रो क्या लग रही है यार ये ईश। मैं ईश कहना सीख गया हूँ, यहाँ पे लोग कहते रहते हैं। यार मेरा फोन लैग कर रहा है यार। हाउ इज इट? कैन यू वेव टू द कैमरा? शी इज पेट्रोलिना, शी इज अ वेरी गुड असिस्टेंट इन वर्जिन एक्टिव हियर एंड The most time I come and she's working. She's a very hard working woman. तो भाई जैसे हम नींद से उठे थे वैसे ही आउटफिट पहन लिया हमने। यू आर रेडी? लेट्स हिट द जिम। Let's go. क्या हवाएं चल रही हैं यार, हरियाली देखो यहाँ पे, हरियाली बढ़िया है। पेड़ों की बात कर रहा हूँ, बदतमीजो पेड़ों की बात कर रहा भाई। तुम्हारा बिल्कुल सेट वेट हो चुका है। अभी क्या है कि अभी मेरे को एटीएम से पैसे निकालने आने हैं, कैश। भाई तुम्हारा कैश में खेलता है। जो मेरा दोस्त है आदित्य बागी, जो मैं जो वीडियो में आता रहता है, बागी नाम है उसका, तो उसकी अलाउंस आई है। तो क्या होता है, हमारे स्कूल ना अलाउंस देता है 1800 रैंड देता है, मतलब खर्चा पानी निकालने के लिए, मतलब महीने का जब तुम पैकेज पे आते हो। तो वो कुछ सॉर्ट ऑफ 9000 होता है अगर 5 से मल्टीप्लाई करो राउंड ऑफ करके, वैसे 4.4 या 4.5 प्राइस कुछ चल रहा है। तो उसकी अलाउंस आई है आज, अभी मेरे पास नोटिफिकेशन आ गई है। तो उसने कहा था भाई मेरे बैंक में आई है, क्योंकि वो थोड़ा गरीब है तो बैंक खुलवाया नहीं उसने, मेरे बैंक से ही करता है वो। तो उसने कहा भाई जब अलाउंस आया तो कैश निकाल लेना। तो मैं जिम में ही था तो मैसेज आ गया, तो अभी मैं वही उसका कैश निकालने जा रहा हूँ। तुम्हें दिखाते हैं नोट, पहले भी दिखा रखे हैं, अब भी दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। प्यारी तो जगह है यार ये, मतलब मानो या ना मानो प्यारी जगह है यार। अरे निकल रहे हैं, अरे कैश निकल गया भाई, तुम्हारा भाई अमीर हो चुका अब। कार्ड निकल गया, कैश आ गया। कैश निकालने के बाद हम चल दिए हैं। चेक दिस गाइस, होम स्वीट होम। खाना बनाते हैं फटफट। बागी खोलियो यार एक सेकंड। भाई कैसे गर्मी लग रही है, क्या पंखा उंखा चलाओ। यार आज रात 2:30 बजे सोया था मैं, नया लग सब भर के, सुबह 4:30 बजे उठा था मैंने। भाई मेहनत चल रही है इधर, स्कूल गया था मैंने, वेदर खराब है पता है कैसे। भाई मैंने कोई नहीं है गाड़ी में, मैं पीछे आज दिया लास्ट सीट में, अंशांदर डेस्क के सामने सोफा है ना उसमें सोया था। अरे आदित्य भी निकल गया, मैं सीधा लास्ट सीट गया था फ्लैट। बच्चे सो के आ रहे हैं, घी बोल रहा है, अलाउंस आ गई। दक्षिणा डिड नॉट बुक यू ब्रो। समझ आ गई, चल नाच तो कर थोड़ा सा। अबे नाच तो कर, अबे ऐसे ऐसे तो कर थोड़ा सा, अबे कर तो सही। नहीं ऐसे नहीं करना, अबे थोड़ा नाच करके दिखा। अरे यार नाच करेगा ये, कैमरे की बात करेगा, करेगा करेगा भाई। ठीक है बराबर, ये क्या है? तो भाई को एक अपडेट हमने इसके अंदर, तो भाप आई है एकदम से, आलू मशरूम इतना गंदा लग रहा है देखने में, मतलब बढ़िया, मतलब वीडियो क्वालिटी खाने में बढ़िया है वो,
आलू मशरूम और कैप्सिकम रख दिए हैं, ये बेक होता रहेगा, बहुत इजी होता है यार ये बेक करना है। अभी वैसे सोया करनी है मेरे को एंड वी आर कुक टू गो। तो भाई हमारा खाना बन गया है, ओट्स सोयाबीन एंड वेजीज ये मैं ले जाऊंगा क्योंकि मेरा रात के 9 बजे तक है, तो ओट्स ज़्यादा हो गए तो मैंने इसमें डाल दिए। ये खाएंगे हम, बहुत भूख लग रही है अभी, प्रोटीन पीता हूँ मैं। 12 बज गए हैं, कुछ खाया नहीं है, प्रोटीन भी नहीं पिया यार, और क्या चाहिए। ये अब हम ये पियेंगे, चलो जा रहे हैं। ये हमारे साथ चलेगा साहिल कश्यप। तो भाई ये हमारा सिम है, मतलब ये थोड़ा गरीब सा सिम है पर कोई नहीं, ये भी बढ़िया ही है। और यार ग्राउंड पकड़ा हुआ है एयर क्लब, हम एक दूसरे सिम भी जाते हैं उसकी क्लिप भी डाल दूंगा मैं, यहाँ से मॉनिटर करेंगे सर। हमारे अजीत भाई हम आ चुके ग्रैंड सेंट्रल। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी बज रहे हैं 4 और यहाँ पे इस एरिया में पर्टिकुलर एरिया में लोड शेडिंग हो गई, तो हमारा सिम है वो बंद हो गया। तो हम जैसे सिम में बैठे थे, प्लान बना कुछ था नहीं हमारा शूट करने का वीडियो यहाँ पे, क्योंकि आई कॉन्ट शो सिम, पर मैंने क्या कहते हैं सीन बन गया क्योंकि लोड शेडिंग हो गई थी। तो देख सकते हैं देश में कितनी गरीबी है और हमारी जो ट्रेनिंग है वो भी इम्पैक्ट हो जाती है कभी कभी। पर ग्रैंड सेंटर के नज़ारे बहुत प्यारे हैं इधर, अब फ्री थे हम तो यहाँ पे हवा बहुत प्यारी चल रही है, और वहाँ की वो एक मेन रेफरेंस टंकी है, उधर टंकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं टंकी बोलते होंगे। तो अभी चिली का नाम को अभी 5-10 मिनट के लिए बोला उन्होंने, अगर कुछ होता तो ठीक है वरना लच्ची क्या है, क्योंकि यहाँ की जो लोड शेडिंग है 4 से 6:30 का है स्लॉट जो हुआ है, और अभी 4:30 भी नहीं बजे हैं। तो देखते हैं, रॉट व्हीलर को दिखा दो, बात ये जो एयरपोर्ट है छोटा सा है पर क्यूट सा है, इसमें एक कैफे है वो भी वही याद है एकदम, उसका कोई यूज़ नहीं है उस कैफे का होने का, तो पर कुछ ना से तो कुछ सही। अब लेट्स सी, शायद मैं अंदर का तुम्हें दिखाऊं सिम का कैसा है ये, सिम बहुत ही प्यारा है ये, तुम जान रहे होगे कैसे बोल रहा हूँ मैं। तो हमारे भाई साहिल भी आए इधर, साहिल साहब का स्लॉट था इधर पर वो हो नहीं पाया है, हम अंदर से दिखा देते सारी। तो भाई ये एयरपोर्ट है हमारा, यहाँ पे विंग्स एंड थिंग्स है जो लेंस एरिया पे भी दिखा रखा है मैंने, ये सिम सेंट्रल है। दिखने में तो इतना प्यारा लगता है ना, अंदर से जाके देखो एकदम अजीब सा ही है, वो साहिल है। तो यहाँ पे क्या है कि बैठने का जैसे लंजीरे पे तो काउचेस दे रखे हैं, इधर चेयर्स दे रखी हैं, तो देख सकते हो गरीबी इधर की। वहाँ पे एक कैफ़े है उधर एकदम एंड में जाके, उधर वो जो दिख रहा होगा तुम्हें वो द प्रोपेलर ऑन ग्रैंड, ये कैफ़े का नाम है उधर। वही जैसे नॉर्मल छोटा सा एयरपोर्ट होता है उतना, यहाँ पे फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल्स भी हैं जहाँ पे बच्चे इंडियन बच्चे आकर ट्रेनिंग भी करते हैं। यहाँ पे जैसे लंजीरा फ्लाइट एकेडमी इधर एक स्कूल है, मतलब लंजीरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो नहीं है पर यहाँ पे है, और भी स्कूल है, फ्लाइट इंफॉर्मेशन, फ्लाइट क्रू ट्रेनिंग काफ़ी हैं, जैसे फ्लाइट ट्रेनिंग तो स्कूल्स का भी खोल रखे हैं जहाँ पे इंडियन बच्चे और लोकल बच्चे बाहर के बच्चे आके ट्रेनिंग करते हैं सेम एज लंजीरा। तो अगर तुम सोच रहे हो कि स्कूल देखने की, तो तुम ग्रैंड सेंटर पर भी देख सकते हो, यहाँ पे भी फ्लाइंग होती है, बढ़िया होती है, और लंजीरा पे तो है ही तगड़ी भाई, देखो फैसिलिटी तो लंजीरा की है ही प्यारी। और एक और सिम है एरोनाव करके, उसकी वीडियो में डाल दूंगा, मैंने ज़्यादा बनाई नहीं उसकी, पर वो सिम बहुत प्यारा है। इस सिम को दिखाऊंगा जैसे मैंने दिखा दिया है वीडियो में पहले ही, कि ये सिम में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब ज़्यादा एडवांस है नहीं, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी, मतलब ठीक है ना, से सही हमारी ट्रेनिंग हो जाए, सिम हो जाए हमारे ख़त्म, फिर हम एक्चुअल लाइफ शुरू कर सकते हैं इन फ्लाइट। तो या लेट्स सी, चलो भाई अपडेट के लिए रेडी होते हैं। भाई ये हमारे ग्रैंड सेंट्रल की ब्यूटी है, क्या प्यारा। अरे कहाँ जा रहे हो तुम साहिल भाई, कुछ बताओ क्या है ये, कुछ बताओ ग्रैंड सेंट्रल की ब्यूटी के बारे में, कितना प्यारा एयरपोर्ट है ना, काफी अच्छे एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं, काफी बढ़िया एयरक्राफ्ट।
आ जाओ भाई। तो भाई जैसा देख सकते हो रात हो गई है इधर, अब घर जाना है, 10 बज गए हैं। देखो 22:08 सोन नहीं आ रहा, घर जाके खाना बनाना है, क्या बनाना है। इंस्टेंट रिग्रेट। ग्रैंड सेंट्रल एयरपोर्ट। तो भाई चलो चलते हैं, अब एंड करते हैं, 10:15 हो गए हैं, घर जाना है, खाना बनाना है थोड़ा सा। मैं देता हूँ, कह दूंगा कि राइस रख देगा, उसने चटनी बना रखी है, वही खा लेंगे भाई, चावल चटनी है। बस यार ये सोचते हुए चावल चटनी खाएगा तुम्हारा भाई। कोई नहीं, प्रोटीन इंटेक इतना हो नहीं पाया, एक स्कूप और चढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करें यार, अब 10 बजे क्या ही बनाएंगे, 10:30 तक जाएंगे उधर, क्या ही दिखाऊँ, तो मैं थक भी गया हूँ। तो अगर मन करेगा तो दिखा दूँगा, वरना लेस एन द ब्लॉग यार, डे इन द लाइफ था एक। अब कल ऐसा ही शेड्यूल है, सुबह जिम, बाद में सिम, सुबह 2 बजे से 8 बजे तक ये सिम। लेट हो गया थोड़ा सा हमारा, क्योंकि लाइट चली गई थी यहाँ पे। तो चलो, लेस एन द ब्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।